हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मिनी ब्रेड समोसे की रेसिपी। जी हाँ, ये देखने में जितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं उतने ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होते हैं। नॉर्मल समोसे जो हम बनाते हैं उससे ये आधे समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इस इंस्टेंट मिनी ब्रेड समोसे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम समोसे के लिए एक स्पेशल मसाला रेडी कर लेंगे। एक बाउल में एक चम्मच धनिया, एक चम्मच सौंफ और एक चम्मच जीरा डाल लेंगे। इन तीनों को हमें दरदरा सा क्रश कर लेना है। इसे मैंने क्रश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए। समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ एक पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल के हल्का गर्म हो जाने पर एक चम्मच किसा हुआ अदरक डाल लेंगे, साथ ही एक बड़ा चम्मच समोसे का मसाला जिसे मैंने अभी बनाया था उसे डाल लेंगे और इसे चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेना है। जो हमने समोसे का मसाला बनाया था इससे ही हमारे समोसों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये भून चुका है, इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और उसे भी मसाले में मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैंने मैश कर लिया था। इसे अब मैं इसमें डाल दूंगी और फिर इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। आलू को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे आप हल्का मैश करते हुए मिला लें। आलू मिक्स हो चुका है, फिर इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। फिर से हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टफिंग में हमने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर मैंने इस स्टफिंग को रेडी कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ब्रेड समोसा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाइट ब्रेड ले ली है। इन समोसों को बनाने के लिए हमें फ्रेश ब्रेड का ही यूज़ करना है। इस ब्रेड स्लाइस को एकदम पतला बेल लेना है। फ्रेश ब्रेड होने की वजह से ये इजीली बेल जाती है। ब्रेड की स्लाइस को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। अब हम इसके एजेस को कट कर लेंगे। इसके एजेस के कट हो जाने पर चारों कोनों को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और ब्रेड को 2 पार्ट में कट कर लेंगे। इस तरह से हमारे 2 समोसों की पट्टी रेडी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। चलिए समोसों को बनाना शुरू करते हैं। जिस साइड से हमने ब्रेड को कट किया था उस पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर इसे एक कोन की शेप में फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे कि इसके पॉइंट आप अच्छी तरह से सील कर लें। तो ये समोसे का कोन रेडी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस कोन में बनाई हुई स्टफिंग को फिल कर लेंगे। आज हम मिनी समोसे बना रहे हैं तो आप इसमें 1/2 चम्मच ही स्टफिंग फिल करें। स्टफिंग के भर जाने पर इसके किनारों पर पानी लगाकर इसे अच्छी तरह से सील कर लें। तो ये हमारा मिनी समोसा बनकर रेडी है। चलिए मैं आपको एक और समोसा बनाकर बताती हूँ। सेम तरह से आप एक ब्रेड की स्लाइस पर इस तरह से पानी लगा लें और उसका इस तरह से कोन रेडी कर लें। कोन बन जाने पर इसमें स्टफिंग फिल कर लेंगे और पानी लगाकर इसे भी पैक कर लेंगे। ये मिनी ब्रेड समोसे झटपट बनकर रेडी हो जाते हैं और देखने में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। सेम तरह से मैंने सभी समोसों को बनाकर रेडी कर लिया है। आप इन समोसों को पहले से ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका मन हो इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं।
चलिए समोसों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने तेल को पहले से ही गरम कर लिया था। अब इसमें एक एक करके समोसे डाल लेंगे और इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर पलटते हुए तल लेंगे। ब्रेड समोसों को हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक के फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। इसे मैं पलट कर दूसरी तरफ से भी तल लूँगी। ब्रेड है तो ये बहुत ही फटाफट से फ्राई हो जाता है। मिनी ब्रेड समोसा फ्राई होकर रेडी है, इन्हें मैं निकाल लूँगी। तो थी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक सी रेसिपी। आप भी इस मिनी ब्रेड समोसा को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये मिनी ब्रेड समोसा बहुत ही अच्छा पार्टी स्टार्टर और इवनिंग स्नैक का ऑप्शन है। आप सुन सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।